उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह गाजियाबाद पहुंचे हैं, यहां पर बूथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। उनसे पायलट अभिनंदन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर आज मोदी जी का संवाद कार्यक्रम है, आप लोग पहुंचे हैं, अगर इस तरीके के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है और इस कौन से मुद्दे में जिसको मोदी जी संबोधित करेंगे कार्यक्रम क्या? आज विशेष रूप से बूथ के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और संगठन की दृष्टि से बूथ हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ होता है वही सब कार्यक्रमों को आगे लेके चलता है। तो अब मोदी जी उसमें सबको कब सबके साथ संवाद करेंगे, क्या कहते हैं, उसको प्रेरणा उनसे जो प्रेरणा मिलेगी उसको लेते हुए हम लोग कार्य करेंगे। मगर जो माहौल है मैं इतना ही कह सकता हूँ, उस माहौल में हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो जिन्होंने अब देश के लिए बलिदान दिया और साथ ही साथ जो सैनिकों का जो मनोबल है वो गिरे ना, उसके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता हर बूथ के खड़े हैं, उसको हम लोग यहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता हैं उसको संदेश भी दे रहे हैं और साथ ही साथ देश मजबूत बने सुरक्षित बने उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो सरकार ने ओपन हैंड दे रखा है सीधे तौर पे आरएमपी अभिनंदन को वापस आने की किस तरीके की? देखिए इस पे मैं तो कमेंट नहीं कह सकता, मगर मैं इतना ही कहूँगा कि पूरे देश को मोदी जी की सरकार पर विश्वास है और मोदी जी के ऊपर विश्वास है, जो भी सरकार कर सकती है वो जरूर करेगी और उसके तहत कुछ चीज़ें जो होती हैं कूटनीति के तहत कुछ सामने से होती हैं कुछ पीछे से होती हैं बातचीत के माध्यम, वो करा जा रहा है और प्रयास पूरा है कि उनको विंग कमांडर साहब को अभिनंदन जी को हम लोग यहाँ पे सुरक्षित लेकर आए। लेकिन ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरीके से नहीं, वो तो है ही, अब यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल्स का भी कल एक स्टेटमेंट आ गया है जिसमें अमेरिका फ्रांस और यूके ने तीनों ने मिलकर कहा है, तो इसलिए कूटनीति के तहत पाकिस्तान पर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है।